बस्मिल्ल रही अज़ीम मैं मोहन सद्दीक़ी हूँ पाकिस्तान के हालात को अगर देखते हैं तो सिर्फ दिल ही दुखता है और और कुछ नहीं हो सकता इमरान खान साहब का एक बयान ही आया कि कि हमें चाइना के तरीक़े का की हुकूमत करनी चाहिए जैसे कि वहाँ पे पंद्रह साल बीस साल का का वक्त मिलता है एक पार्टी को और वह किस तरीके से जन है हुकूमत करती है और वो जो अपने मनसूबे होते हैं उसको मुकम्मल करती है इसमें कोई शक नहीं कि चाइना का एक सिस्टम है इसके अलावा यूरोप में भी बहुत से सिस्टम मौजूद हैं जहाँ चार साल के बाद के अंदर लोग प्लान करके आते हैं कि चार साल के अंदर हमने क्या करना है मुल्क के लिए और वो उस पर अमल करते हैं इमरान ख़ान साहब ने कोई निराला काम नहीं किया जरदारी साहब ने भी पाँच साल का मनसूबा बना के आए जिस तरह से भी उन्होंने लूट मार की बारह वो सक्सेसफुल रहे जिस तरह लूट मार करने में और जैसे मुल्क को लूटा नवाज शरीफ ने अपने दो दो तीन तीन साल के टर्न ओवर में जो काम उन्होंने पाँच साल में करना था दो ढाई साल के अंदर उन्होंने लूट लाट के मुल्क से पैसा बाहर निकाल दिया अपना उनके हर एक के आदमी के अपने मनसूबे होते हैं इमरान खान साहब की जो जो प्रॉब्लम्स हैं इमरान खान साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्त थी हमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मुल्क के अंदर एक इंसाफ लेके आएंगे निज़ाम ऐसा अदल का होगा कि शायद के हज उम्र की याद आ जाए कह उमर के, के ज़माने में जैसा निज़ाम था अदल का वैसा ही निज़ाम जो सा यहाँ पर आ जाए हालात इतनी ख़राब हो गई नाम इन्होंने रियासत मदीना का लिया और फिर उसके बाद इन लोगों ने उन्होंने जो काम किए वो मुल्क की तबाही के काम किए इन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी सीनरी दिखाई अर्तुल गाज़ी की बहुत आलाज इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छी स्टोरी है हमें फ़ख्र है उस स्टोरी हिस्ट्री के ऊपर के सल्तनत उस्मानिया के ऊपर कि जिन्होंने सवा छः सौ साल दुनिया के तीन बड़ आज़मों पर हुकूमत की और बड़े सक्सेसफुल थे उसके पीछे क्या था वो आप अगर प्रोग्राम देखें या हिस्ट्री पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है हकीकत में तमाम चीज़ें नहीं आती मुझे एक चीज़ आज जो उसमें देखा मैंने अरतगुल गज़ी में अमीर अजीज जो से थे जो जो हुक्मरान थे उनो, उनकी उनकी हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत में काफ़ी मुशाहबत थी उसमें अंदर अरतगल के आने से पहले अरतगल के बाद तो फिर तबाही बची उनके पास भी वही लोग ऐसे ही लोग मौजूद थे अमीर अज़ीज़ के नाव के पास कि जो जो उनके मुखालफी थे वो उनके साथ मिल गए जैसे सलीबियों सलीबियों का पूरे महल के ऊपर कब्जा था वो शायरी में और अपने रिश्ते ढूंढने में और इसी काम में लगे रहे और कानों कच्चे थे और वो उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उनके गिर्द इर्द गिर्द, गिर्द कौन लोग इकट्ठे हुए हुए हैं ये समझता हूँ कि उस, उस हिस्ट्री में से अगर देखा जाए अरतल गाज़ी की उसमें अमीर अज़ीज़ का किरदार जो इमरान खान अदा कर रहे हैं मैं आपको थोड़ी सी आवाम की सुनाता हूँ मैंने एक चैनल से उठाई है दुनिया टी वी से वो वो हालात जो पाकिस्तान के अंदर गरीब अवाम के हो रहे हैं वो आप जो सुन लीजिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं नहीं है गैस नहीं है पानी नहीं है बिल बढ़ाई जा रहा है सोना चीनी खंड सो, क्यों सब कुछ महंगा हाँ कर सारे तो दसो किस तरह चलाइए सबके दिलों से निकल ऐसी अगर ये कल जाता है शाम सूरज ग्रुप होने से पहले निकल जाए मुल्क से ये जब तक रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा इसने बहुत मुल्क में बर्बादी फैलाई हुई है इसलिए ये तो लंबी चीजें हैं अगर आप आप एक सिरे से पकड़ें और आखिरी सिरे तक पाकिस्तान में जाएं तो यही हालात हैं गुरबत इनतहा बढ़ रही है तबाही मिचरी है इमरान खान साहब कहते हैं कि चाइना के तरीके कहाना है मैं तो कई प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ कि चाइना के तरीक़े का कहलाना है चाइना खुद ही मौजूद है हो रहा है पाकिस्तान में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से हम कर्जे ले रहे हैं चाइना से जब आपने आपके पास कोई मनसूबा बंदी नहीं है अभी तक जितने आपने कर्जे लिए हैं आपसे पहले भी जरदारी और नवाज शरीफ ने भी जो कर्जे लिए हैं कोई मनसूबा नहीं थे सिर्फ लूट खसूट थी और अभी भी आपके साथ जो लोग हैं ना अमीर अजीज साहब वो वो भी वैसे ही हैं जो लोग उनके साथ थे वही लोग आपके साथ हैं हफीज शेख जो सा था वो जरदारी का खास आदमी था जिसने लूट खसूट में पूरी मदद की है जरदारी जरदारी की उसको आप सेनेटर बनाने जा रहे हैं अब ताकि टिका के वो वो लूट वो लूट मार करे और तो, तो जो आपको अवाम को जितना निचोड़ सकते हैं वो निचोड़ें और निचोड़ रही है बुरा हाल है उनका आपने उन्ही लोगों के लोग जो लोग थे अपने लोगों को निकालते गए साथियों का शिकार हो गए उनको किसी में कोई इल्ज़ाम किसी में कुछ इल्जाम और सबका सब, सब जो सा है वो मामला जो से हैं उन्हीं लोगों के हाथ में कर लिए आज भी आपके आपके जो लोग हैं आपकी नाक के नीचे खूब करप्शन कर रहे हैं अभी गाड़ियों का गाड़ियों का कितना बड़ा स्कैंडल आया आपके सामने एक अरब का टीका लगाया है हुकूमत को और वो लोग लूट गए वो शोकर खाना में ही काम करता है वो बंदा जिसने काम किया आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस वक्त आप कटपतली हुकूमत है आपकी आपके इख्तियार में कुछ नहीं है कि आप कुछ करें इंसाफ की बातें आप करते हैं बताऊ आपको अगर आप ये कुछ भी हालात ठीक ना करते अपने पैर अपनी बातों पे कायम रहते इंसाफ देते लोगों को आपने लोगों को इंसाफ नहीं दिया आप सिर्फ वहां पे गए इंसाफ देने के लिए जहां आपकी शोहरत बनती थी जहां आपका वाह वाह होती थी वहां चले गए किसी के मरने पे भी चले जाते थे कभी किसी कुलों पे चले जाते थे किसी जनाजे में खड़े हो जाते थे ये सब भी करते रहे आप लेकिन वहां पर जहाँ पे आपको आप आपको शहर मिलती थी तहरीक लबले बैग के सरबरा खादर हसैन रज़वी साहब का इंतकाल हुआ आपने फटाफट उसी ने उनकी ताज़ियत की और बड़ा कहा कागज बहुत बड़े आलम थे वो बिल्कुल वो उस, उससे पहले जो आपको वो सुना रहे थे माँ बहन की वो आपको उसका कोई अंदाज़ा नहीं हुआ वो सब कुछ भूल गए जो कुछ सुना रहे थे जो जबान वो इस्तेमाल करते थे कि ये आलम दीन का की जबान होती है जो जबान ख़ादम हसन रिजवी साहब अदा करते थे ये उनकी औलाद अदा कर रही है कभी आपने सोचा आपने फटाफट उनको सर्टिफिकेट दे दिया इसलिए कि शहरत मिलनी थी आपने मजलूम लोगों का कत्ले आम हुआ वहाँ आप सोच नहीं हुआ कितने अहमदी शहीद हुए आपके दौर में ये ये वो जो वो कत्ले आम हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है आपने हर वो काम किए आपकी पुलिस मौजूद होती थी मस्जिदें तोड़ने तोड़ने में एम डी ओ की कब्रिस्तानों को उजाड़ने में एम डी ओ की पुलिस मौजूद होती थी आपने कभी नोटिस नहीं लिया कि यार कि, मिसालें तो आप देते हैं कि अगर एक कुत्ता भी भूखा सो जाए रियासत मदीना में तो वो वक्त की ज़िम्मेदारी होती है ये हजरत उमर ने कहा था और इसी को आप दोहराते रहे लेकिन आपने कभी आज तक नहीं देखा कि एक नानसाफी हो रही है और इतनी नानसाफी हो रही है और आप अच्छी तरह से जानते हैं जमात अहमदिया को आप अच्छी तरह से जानते हैं उनकी महफिलों में जाते रहे हैं आपके दोस्तों में से थे आपने खुद आके कनाडा में कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे जो गलती हुई है उसको ठीक करेंगे आप तो आपने तो गलती दूर करनी थी आपने तो उसके ऊपर और काम किए आपने बड़े बड़े काम किए हैं जैसे कि अभी जिस पे का का ख्याल रखने की बजाय वो काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत कोई नहीं है जो अल्लाह के रसूल लेने की खुदा तला ने नहीं किया आप मोहम्मद सल्लाम के बाद ख़ात्म नबीन लगा रहे हैं क्या अल्लाह से गलती हुई थी उन्होंने उन उन नहीं, नहीं लगाया था जैसा कुरने मजीद में उस तरह से चलने दें आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ पैसों का ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ अपना नाम पैदा करने के लिए वाह 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 आप बहुत नेक आदमी हो गए हैं और आपके ये लोग जिनसे हैं खुद कत्ल पे लोगों को उकसाते हैं कि ये करो आपका आप फिर भी कोई नोटिस नहीं लेते ये वजह हुआ है आपकी बर्बादी की जहां इन, आपके आप ही के अल्फाज हैं कि जहां पे ना इंसाफी होगी ना वो निज़ाम नहीं चलेगा जुलम का निज़ाम चल सकता है लेकिन ना इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता तो आपकी ना इंसाफी का निज़ाम कभी नहीं चलेगा जुलम लोग बर्दाश्त कर लेते होते हैं जुलम होता है वो एक जैसा झुलम हो रहा होता है जैसे कि भारत में सारी कौम के साथ ही जुलम हो रहा है बहुत गुर्बत है वहाँ पे इतनी ज्यादा तकलीफ सूरत हाल है लोगों के, के टॉयलेट नहीं है पानी नहीं है उनके पास लोग मर रहे हैं बुरा हाल है हम एक एक खास एक एक, एक, एक तबका देखते हैं जी भारत का जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है बॉलीवुड बहुत खूबसूरत नजर आता है अच्छी हिरोइन नज़र आती है हीरोज नजर आते हैं फिल्में बहुत ज़बरदस्त होती हैं उनकी लेकिन ये वो ये सारे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है जो गुर्बत में वो लोग रहते हैं आप बम्बई शहर में देख ले जाके जो गुर्बत है मतलब के दस दस मील की आबादी -की है जहाँ पे टॉयलेट का नाम और निशान नहीं है और से बच्चे जिस बीमारियों में पड़ रहे हैं अभी जो भारत में हलाक्तें हुई हैं कोरोना की वजह से वो यही वजुहात थी साथ जुड़े हुए हैं एक घर के अंदर पंद्रह पंद्रह बीस बीस लोग रहते हैं कमरे में घर नहीं कमरे में तीन की चादरें होती हैं अगर एक को करोना हो जाए तो पूरे इलाके में करोना फैलता है और इसी तरीके से इसीलिए इस लाखों जो से हलाक हुए थे वहाँ पर पाकिस्तान में भी गुरबत है लेकिन उस हद तक नहीं है और मुल्कों में है गुरबत अफ्रीका के कई ममालिक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है लेकिन जो भारत में गुरबत है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उन्होंने न्यूज़ पर तो की लेकिन निज़ाम फिर भी चल रहा है वहाँ पे एक तरीके की उनकी सेकुलर गवर्नमेंट है अब जाके उन्होंने इस मोदी गवर्नमेंट ने ने जुल्म शुरू किए मुसलमानों के हकूक के ऊपर दलितों के ऊपर जुल्म किए बहुत सारी जगहों पर जुल्म किए उन्होंने जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं वो सजा कैसे मिल रही है हकूमत नाकाम है उनके अंदर जो फूट पड़ रही है इंडिया के अंदर वो वो भी इस किस्म की है कि चाइना कब्जा करी चले जा रहा है नेपाल ने जूते मार दिए इंडिया को वो वो कुछ ना कर सका यही सूरत हाल पाकिस्तान में हो रही है नेपाल या कोई और तो नहीं मार रहा लेकिन जो दोस्त मुल्क है चाइना आप देखिएगा कि चाइना एक जमाने में पाकिस्तान के ऊपर पूरा रूल करेगा वो रूल करेगा और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बताया था कि आप कर्जे लेते जाएं कर्जे इतने मकरूज हो जाएं कि आपको अपने घर की चाबी या गाड़ी की चाबी जैसे कहते हैं ना आप गाड़ी कर्ज ले ली कर्ज पे कि एक दिन आके आप चाबी बैंक मैनेजर को दे देते दे हैं भाई ये ले सवाल मेरे से नहीं जाता ये घर भी दे देते दे होते हैं कि भाई ये तो ओवर हो गया ये जितने की मेरा घर है उससे ज़्यादा तो आपने कर्जे ले लिए जब आप कर्जे लेते जाएंगे उन कर्ज़ों को उतारने के लिए पहले को और और मार्कअप इंटरेस्ट पे करते रहेंगे तो आप कहाँ जाएंगे तो ये सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस पर बनती जा रही है कि नाहिर अफसोसनाक है और ये नाकाम तरीन हुकूमत जिसे कह सकते हैं कि ये वो है नजीरकमानी लगारी ने कहा था कि जी कि यही खान की हुकूमत नाकाम थी या सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत नाकाम थी बहुत सारी हुकूमतें नाकाम आई मैं समझता हूँ कि सबसे नाकाम हुकूमत जिनती है इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत है जिसके इनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या नाजरीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़ इस दुआ के साथ कि ताला पाकिस्तान में जो मज़लूम बसते हैं अल्लाह उन पर रहम करे और जो जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा उनको इंसाफ मिले बस ये दुआ है अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज दीजिएगा हमारा अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए हमारे चैनल आपको पसंद आते हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अल्लाह हाफज